मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन अकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम वर्ब से संबंधित नेक्स्ट वीडियो शूट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जेरेंड वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके कॉमन एरर से रिलेटेड, क्लोज टेस्ट में इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इन दोनों वर्ब पे बारीकी से अध्ययन करेंगे, तो आइए अब हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो सभी के पास पहुंच सके, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें आज हम जेरेंड और पार्टिसिपल वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, जेरेंड वर्ब है, दिस काइंड ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ नाउन। इस प्रकार की जो ये वर्ब है, एक वाक्य में यह नाउन की तरह कार्य करती है। दिस वर्ब कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन। इस वर्ब को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगा जेरेंड वर्ब है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर जेरेंड वर्ब बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हुए। अब हम सीखेंगे यहां पे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से वह मेन वर्ब भी बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से वह जेरेंड वर्ब भी बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से वह प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनते हैं। लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, जरा देखिए। यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं और इस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, तो यह मेन वर्ब बनती है। अगर इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा जाएगा तो यह एक मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी। डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहूंगा अगर इजेवार के बाद वाजवर के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, शैल बी और विल बी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इन सभी कंडीशन में इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर आईएनजी आएगा तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी। हैज हैव हैड के साथ बीन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी। शैल बी और विल बी के साथ अगर आईएनजी आ रहा है तो ये एक मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ अगर आईएनजी आ रहा है तो ये एक मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वह एक मेन वर्ब भी बनती है। लेकिन अगर ये मेन वर्ब बनती है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड बीन
शेल बी विल बी शेल हैव बीन विल हैव बीन के बाद में जो आती वर्ब की वस्तुओं के साथ वह मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। डियर स्टूडेंट, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं और यह शब्द नाउन की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है तो यह जेरेंड वर्ब कहलाती है। तो यह जेरेंड वर्ब कहलाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं और आईएनजी लगाकर उसे नाउन की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है तो फिर यह आईएनजी से बना हुआ शब्द एक जेरेंड वर्ब कहलाती है। और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर यदि इस शब्द को हम नाउन के पहले लिखते हैं तो यह एक एडजेक्टिव बनती है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेरेंड वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो हमने पहले जेरेंड वर्ब ली है, मैं इसे शुरू से रिपीट करना चाहूंगा। जेरेंड वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो इससे जो शब्द बनता है, तो ये वर्ब जो है अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी जाती है तो यह एक मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी। अब अगर इजेमार वाजवर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है और फिर आईएनजी आता है तो यह मेन वर्ब बनेगी। हैज हैव हैड हेल्प हैड हैज हैव हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी आ रही है तो यह मेन वर्ब बनेगी। शैल बी विल बी के बाद अगर आईएनजी आ रही है तो ये एक मेन वर्ब बनेगी। उसी तरह शैल हैव बीन विल हैव बीन के बाद आईएनजी आ रही है तो ये मेन वर्ब बनेगी। तो एक मेन वर्ब का भी ये काम करती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर हम इसे नाउन की तरह अगर ये काम करती है तो यह जेरेंड वर्ब कहलाती है। और जेरेंड वर्ब जब यह बनती है तो इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक नाउन की तरह लिखा जाता है। और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर जो शब्द बनता है हम उसे यदि नाउन के पहले लिखते हैं, अगर हम उसे नाउन के पहले लिखते हैं तो यह एक एडजेक्टिव बनती है। और अगर यह एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो आईएनजी से बना हुआ शब्द प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। आइए अब हम कुछ कुछ उदाहरणों से इसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब है, किस तरह से जेरेंड वर्ब है और किस तरह से यह पार्टिसिपल की तरह काम करती है। राम इज रनिंग और मैंने लिखा रनिंग इज गुड एक्सरसाइज। मैंने लिखा आई सा अ रनिंग कैमल। मैंने लिखा आई एम स्विमिंग। A swimming pool was there. Swimming is good for
लंग्स डिजीज फॉर लंग्स। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शब्द यहां भी रनिंग है, शब्द यहां भी रनिंग है, और शब्द यहां भी रनिंग है। राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी आता है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो यह मेन वर्ब कहलाती है। अब यहां पर रनिंग जो है वो एक मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है। यहां देखिए, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, यानी कि दौड़ना एक अच्छी कसरत है या अभ्यास है। अब यहां पे रनिंग का जो प्रयोग किया गया है वो एक नाउन के रूप में किया गया है, जिसे सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। जब आईएनजी लगा हुआ शब्द एक नाउन की तरह परफॉर्म करता है और उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, तो यहां पे रनिंग जो है वो एक जेरेंड वर्ब की तरह कार्य कर रही है। अब यहां पे रनिंग एक जेरेंड वर्ब है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई सा रनिंग कैमल। अब आई सब्जेक्ट है, सा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब मैंने देखा, क्या देखा, एक ऊंट देखा, तो ऊंट एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। अब मैंने देखा, क्या देखा, एक ऊंट देखा। ऊंट क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। यदि आईएनजी लिखा हुआ शब्द किसी नाउन के पहले आकर के यदि उस नाउन को आइडेंटिफाई करता, उसके बारे में बताता है, तो वह एक एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करती है। और जब आईएनजी लिखा हुआ शब्द को एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो यहां पर रनिंग जो है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, मैंने यहां पे तीन एग्जाम्पल दिए हैं। राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ रन के साथ आईएनजी लिखा हुआ जो शब्द है ये एक मेन वर्ब है, क्योंकि जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, उसे हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखते हैं, तो वह एक मेन वर्ब की तरह परफॉर्म करता है। अब यहां देखिए, इसी शब्द रनिंग को, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छी कसरत है या अभ्यास है। यहां पर मैंने वर्ब के साथ आईएनजी लिखे हुए शब्द को यदि नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हो, तो वह एक जेरेंड वर्ब कहलाती है। अब यहां पे ये रनिंग शब्द जो है ये जेरेंड वर्ब है, और यदि आईएनजी लिखा हुआ शब्द किसी नाउन के पहले प्री मॉडिफायर में यूज होता है और उसके बारे में कोई अतिरिक्त क्वालिटी बताता है, तो वो एक एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करता है, और अगर एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब यहां पर रनिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम में लिया जा रहा है। जैसे कि मैंने लिखा, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूं। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में स्विमिंग आ रहा है, तो यहां पर यह एक मेन वर्ब की तरह परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पर इसी स्विमिंग को मैंने यहां पर लिखा है, ए स्विमिंग पूल वाज देयर, एक पूल है, तालाब, कौन सा, स्विमिंग पूल। तो यहां पर यह एक नाउन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, तो यह एक जेरेंड वर्ब है, यह जिसे सब्जेक्ट में लिखा गया है। और यहां लिखा मैंने, स्विमिंग इज गुड फॉर लंग्स, हमारे पेपरों के लिए स्विमिंग करना अच्छा रहता है। अब यहां पर मैंने स्विमिंग लिखा है, तो स्विमिंग यहां देखिए, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा इसे, यहां पर यह जेरेंड वर्ब नहीं है, यह पूल यहां पे नाउन है। अगर यह नाउन के पहले यूज हो रही है और उसके बारे में अतिरिक्त क्वालिटी बता रही है, भाई पूल है, कैसा है, स्विमिंग पूल है, तो यहां पर यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पे इसी स्विमिंग को मैंने एक नाउन के रूप में लिखा है सब्जेक्ट के स्थान पे, तो यह एक जेरेंड वर्ब की तरह कार्य कर रही है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा हुआ शब्द एक मेन वर्ब भी बनता है। यदि वह किसी नाउन के पहले यूज होकर उसको प्री मॉडिफाई करता है, उसके बारे में अतिरिक्त क्वालिटी बताता है, तो वह एक एडजेक्टिव बनता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और यदि इसे एक नाउन के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है,
तो यह एक जेरंड वर्ब कहलाती है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जेरंड वर्ब में। तो यह थी जेरंड वर्ब। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स की। तो अब हम शुरू करते हैं पार्टिसिपल्स। डियर स्टूडेंट, पार्टिसिपल्स अपने आप में एक विशेषण की तरह ये कार्य करते हैं। पार्टिसिपल्स को आप अतिरिक्त एडजेक्टिव कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर बात पार्टिसिपल्स की आती है तो मैंने बताया था पार्टिसिपल के तीन भाग होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आप वर्ब फर्स्ट आईएनजी के साथ लिखोगे। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे आप थर्ड फॉर्म में लिखोगे। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसे आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले तो हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, पार्टिसिपल इट इज यूज्ड, एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। पार्टिसिपल को यूज में लिया गया है एक वाक्य में विशेषण के तौर पे। इसे एक विशेषण के तौर पे काम में लिया जाता है, जिसे आप प्री मॉडिफायर इसे कह सकते हैं। तो ये तीन पार्टिसिपल्स हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है पास्ट पार्टिसिपल और एक है परफेक्ट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात प्रेजेंट पार्टिसिपल की करता हूं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। इसे नाउन के पहले यूज करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। यह अभी हमने जेरेंड वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है, इस बिंदु पे हमने इसमें चर्चा करी है। अब हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड यह नाउन के पहले, यह नाउन के पहले यूज होकर एक एडजेक्टिव में, एक एडजेक्टिव बनती है जो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, जो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। डियर स्टूडेंट, बात परफेक्ट पार्टिसिपल की आती है, जिसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब बात जब परफेक्ट पार्टिसिपल की आती है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इसका एक्टिव होता है, और हैविंग प्लस हैविंग बीन वर्ब थर्ड फॉर्म ये इसका पैसिव बनता है। अब ये किस तरह से सेंटेंस में काम आते हैं, किस तरह से आप इन्हें रेक्टिफाई करोगे, अब हम इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। पहले आप देख लो कि पार्टिसिपल तीन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, जो एक नाउन, इसे नाउन के पहले यूज करके इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लिखा जा सकता है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बात अगर पास्ट पार्टिसिपल की आती है तो इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एक एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करती है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहां पे। तो पहले हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल,
और यह है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नाउन के पहले यूज होकर इसकी विशेषता बताती है, जो एक एडजेक्टिव के रूप में होती है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे, जैसे कि मैंने लिखा कुकिंग क्लास, जैसे मैंने लिखा यहां पे कुकिंग क्लास, क्राइंग गर्ल, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे वीपिंग चाइल्ड। अब यहां पे क्लास है, गर्ल है और चाइल्ड है। यहां पर ये तीनों की तीनों एक नाउन है। यदि ये नाउन के पहले यूज होती है और नाउन के पहले ये यूज होती है और नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती है, तो यहां पे कुकिंग, क्राइंग और व्हिपिंग यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, जो एक विशेषण के रूप में काम करती है। फिर बात अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की आती है तो मैं यहां लिखना चाहूंगा, ऐसे दो वाक्य जिनमें एक कार्य के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में भी करते हैं जहां पर ऐसे दो वाक्य जिनमें एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद कोई दूसरा कार्य शुरू होने का भाव होता है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे कुकिंग फूड ही एट फूड, खाना पका करके उसने खाना खाया। जैसे कि मैंने लिखा वॉचिंग ए वीडियो ऑन फोन ही कुक्ड अ डिश। अब एक कार्य के समाप्त होने के बाद, अब देखो इसमें दो वाक्य हैं, एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, वॉचिंग ए वीडियो ऑन फोन ही कुक्ड अ डिश। अब एक वाक्य के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा वाक्य, कुकिंग फूड, खाना पका करके उसने खाना खाया, फिर वॉचिंग ए वीडियो ऑन फोन, फोन पर एक वीडियो देख करके ही कुक्ड अ डिश, उसने एक डिश बनाए। तो इन वाक्यों में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। डियर स्टूडेंट, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आप इसे ऐसे समझे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, यदि इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है तो यह मेन वर्ब बनती है, तो यह मेन वर्ब बनती है अगर इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाए। जैसे कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी। पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होती है,
यह अगर पेशियों में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेशियों में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वह अपने आप में एक मेन वर्ब होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एक मेन वर्ब भी होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि इसे नाउन के पहले, यदि इसे नाउन के पहले लिखकर एक विशेषण के तौर पर, एक विशेषण के तौर पर समझा जाए तो यह एक, तो यह पास्ट पार्टिसिपल बनती है, तो यह पास्ट पार्टिसिपल बनती है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज दो तरह से होता है, एक मेन वर्ब में और एक एडजेक्टिव के तौर पे। एडजेक्टिव के तौर पे नाउन के पहले आएगी, और नाउन के पहले आकर अगर नाउन के बारे में कुछ जानकारी, अतिरिक्त जानकारी देती है, तो यह एक एडजेक्टिव बनती है। एडजेक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल बनती है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से इसे समझना चाहेंगे यहां पे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां पे, आई मेट अ आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब। दूसरा है, आई मेट अ रिटायर्ड टीचर। अब रिटायर की थर्ड फॉर्म होती है रिटायर्ड। अब जरा देखिए, यहां पर भी रिटायर्ड है, यहां पर भी रिटायर्ड है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में रिटायर्ड आ रहा है तो यह एक मेन वर्ब बनेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। लेकिन अगर यही वर्ब की थर्ड फॉर्म एक नाउन के पहले आती है, आई सब्जेक्ट है यहां पे, मैं मिला, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं मिला, किससे मिला, टीचर से, तो टीचर एक नाउन है, लेकिन टीचर कैसा था, रिटायर्ड था, तो इस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसका मतलब है ये एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है। तो ये थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, हम इसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, हम इसे पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर हम इसे काम में लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एक मेन वर्ब भी बनती है अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है, जैसा कि मैंने लिखा है जो हेड के बाद और पेशी वॉइस में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये हमेशा मेन वर्ब बनेगी। लेकिन यही वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि नाउन के पहले यूज होकर नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती है तो ये एक एडजेक्टिव बनती है, और जब यह एक एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करती है तो यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल से इसमें जाना है। अब हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे। डियर स्टूडेंट, परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे, हैविंग कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई वेंट अवे फॉरेन। या मैंने लिखा, हैविंग रिटन अ लेटर, आई पोस्टेड इट। अब ये दो वाक्य है, हैविंग कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मेरी ग्रेजुएशन पूरी करके आई वेंट अवे फॉरेन, मैं विदेश चला गया। दूसरा है, हैविंग रिटन अ लेटर, एक पत्र लिख करके आई पोस्टेड इट, मैंने इसे पोस्ट किया। अब यहां पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जो आ रही है, ये यहां पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज में ली जा रही है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। डियर स्टूडेंट, परफेक्ट पार्टिसिपल, इस पार्टिसिपल से दो ऐसे वाक्यों को
जोड़ा जाता है जिसमें एक कार्य का फल, एक कार्य का फल दूसरे वाक्य में मिले, दूसरे वाक्य में मिले, जिसमें प्रथम वाक्य का फल दूसरे वाक्य में मिले। जैसे कि मैंने लिखा हैविंग कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और मैं विदेश चला गया। हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर, एक पत्र लिख करके आई पोस्टेड इट, मैंने इसे पोस्ट किया। तो दो ऐसे वाक्य जिनमें एक के बाद दूसरा वाक्य कंप्लीट होता है या एक वाक्य का फल दूसरे वाक्य में मिलता है, हम ऐसे वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ा जाता है और इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इस तरह से जैसे कि आज मैंने आप लोगों को पार्टिसिपल्स के तीनों फॉर्म बताए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो आईएनजी आता है वो एक नाउन के पहले परफॉर्म होकर के एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो एक नाउन के पहले यूज होकर अपने आप को एक विशेषण के रूप में प्रेजेंट करती है, तो वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है जिसमें दो ऐसे वाक्यों को कनेक्ट किया जाता है जिसमें एक वाक्य का फल दूसरे वाक्य में मिले। इस तरह से पार्टिसिपल का ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। अब ये किन किन वर्ब के साथ में हम पार्टिसिपल्स को कंप्लीट करते हैं, कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में पार्टिसिपल्स लेती है, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में। डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में समझाया था कि इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है वह दो तरीके से यूज होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और एक बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है और इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है वो टू के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म में। जरा हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे इन्फिनिटिव वर्ब है। बात जब इन्फिनिटिव वर्ब की आती है तो यह दो तरीके से इन्फिनिटिव वर्ब विद टू, इसे टू के साथ लिखा जाएगा और यह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। डियर स्टूडेंट, इनके साथ कभी भी एस, ई एस, आई एन जी, ई डी आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेन वर्ब के बाद में ही आप टू इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। मेन वर्ब के बाद में टू इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव के बाद में मेन वर्ब कभी भी नहीं आती है। बी की फॉर्म के बाद टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मॉडल्स के बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटिव वर्ब विद टू है जिसमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ कभी भी एस, ई एस, आई एन जी, ई डी का इस्तेमाल नहीं होता है। मेन वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव वर्ब आती है, बी की फॉर्म के बाद हम इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉडल के बाद में हम कभी भी इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट, मैं बात बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की करता हूं तो वह वर्ब जो विदाउट टू के वाक्य में यूज होती है हम उसे बेयर इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं यहां पे लेट मी हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करने दो। अब यहां पे लेट के बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यह एक बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है। तो हम इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग इन्फिनिटिव टू के साथ भी कर सकते हैं और बेयर इन्फिनिटिव में भी करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग आप सब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर, वर्ब कॉम्प्लीमेंट में,
और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इन्फिनिटिव वर्ब वाक्य में कहां कहां यूज होती है। इन्फिनिटिव वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आती है, इन्फिनिटिव वर्ब वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आती है, इन्फिनिटिव वर्ब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आती है, इन्फिनिटिव वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आती है। इन्फिनिटिव जो वर्ब है हम उसे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिखते हैं। इस तरह से इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग अंग्रेजी वाक्यों में किया जाता है। अब ऐसी कौन सी वर्ब है जिनके साथ इन्फिनिटिव जाता है, ऐसी कौन सी वर्ब है जिनके साथ जेरेंड फिक्स होते हैं, ऐसी कौन सी वर्ब है जिनके साथ पार्टिसिपल्स फिक्स होते हैं, अब ये हम अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।